तो भैया जी, मैं अभी जस्ट कर्नाटक से लौट कर आया हूँ और मुझे आपको एक कहानी सुनानी है। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे। मैं पहली बार कर्नाटक 2016 सितंबर में गया था, लगभग आज से 6 साल पहले। आज मैं जा रहा हूँ कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर। मेरी ट्रेन है कर्नाटका एक्सप्रेस, जो कि आगरा में 11 बजे करीब आती है। उससे पहले सिर्फ किस्से और कहानियों में ही यहाँ के बारे में सुना था। अब अगर इतनी दूर कर्नाटक जा ही रहे हैं तो थोड़ा दाढ़ी बाड़ी भी सेट बैट करवा ली जाए। एक ऐसा राज्य जिसकी खूबसूरती और संस्कृति को शब्दों में नहीं बताया जा सकता। हमारी मम्मी जी सफर के बीच में पेट पूजा करने के लिए पूड़ी और सब्जी बना रही हैं। आज से करीब 10 दिन पहले प्रद्युम्न भाई का फोन आता है और कर्नाटक में एक कंपटीशन के बारे में पता चलता है। वो जा रहे हैं हम अभी, और अभी अपने गुरुकुल के गेट के सामने खड़े हुए हैं, बस का वेट कर रहे हैं, बस आने वाली है। मैं कंपटीशन के लिए हरियाणा टीम की तरफ से कोच के रूप में गया था। भैया जी, घर से निकल आया हूँ और अभी आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर हूँ। मैं आगरा की साइड जा रहा हूँ इस तरफ को, और हमारा जो एरिया पड़ता है वो 137 नंबर पे पड़ता है। ये पीछे रोड गई है हमारे घर को ही, तो करीब 5 किलोमीटर है। आ गया हूँ अभी, बस का वेट कर रहा हूँ। मैं खा मखा चला चला उड़ बढ़ता गया, तुम्हारी राह में साथ सांस लेता गया। तो कह दो ना हमें आज, तो दे दो ना बात, तो छेड़ो ना जिस बात में खो लेना। आ गया हूँ आगरा और टाइम हो रहा है 9:30 PM। अभी हूँ आगरा के कैंट रेलवे स्टेशन पर। आज मैं जा रहा हूँ कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर। मेरी ट्रेन है कर्नाटका एक्सप्रेस, जो कि 11 बजे आगरा में आती है। मेरे साथ मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि उसी ट्रेन में दिल्ली से आ रहे हैं। मेरा रिजर्वेशन भी उनके साथ दिल्ली से था, पर क्योंकि मेरे घर से आगरा पास में पड़ता है, इसीलिए मैं आगरा से ट्रेन ले रहा हूँ। आज लगभग 2 साल बाद ट्रेन में बैठने वाला हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। कब ट्रेन आए, कब मैं बैठूँ, कब जाऊँ घूमूँ, तो मतलब बहुत ज़्यादा मज़े आने वाले हैं। कोविड के बाद मैं पहली बार ट्रेन में जा रहा हूँ। आज मैं बहुत ज़्यादा सामान कैरी कर रहा हूँ। मेरे पास एक बड़ा वाला बैग है जिसमें मेरे कपड़े हैं, और एक ये छोटा वाला बैग है जिसमें मेरे खाने पीने का और बाकी मोबाइल से संबंधित ट्राईपॉड वगैरह बहुत सारी चीज़ें इसी में हैं। तो भाई साहब, हमारी ट्रेन आ गई है कर्नाटक एक्सप्रेस, वो आ रही है। मेरा S8 है। दिल मेरा दोबारा, दिल मेरा दोबारा, दिल मेरा। भाई साहब, हमारी ट्रेन चल रही है। ओ दिल मेरा दोबारा, दिल मेरा दोबारा, दिल मेरा। भैया जी, खाना हो रहा है अभी, और यहाँ सब लोग हैं। ये हैं प्रतिम भाई, ये हैं भरत भाई, और वो हैं देवेंद्र भाई। तो सारे लोग हैं, बाकी और भी लोग हैं वो उधर दूसरे डब्बे में, बाद में मिलाएंगे उनको। फीकी फीकी जिंदगानी भर दे तू फागुन के रंग सारे प्राण मेरे। अंधियारी कारी रातें कर दे तू पूने मक्की उजियारी जान मेरे। फीकी फीकी जिंदगानी भर दे तू फागुन के रंग सारे प्राण मेरे। अंधियारी कारी रातें कर दे तू पूने मक्की उजियारी जान मेरे। रात के 3 हो रहे हैं, झांसी आ गए हैं, काफी शोर हो रहा है। अभी सो गए थे, सो करके जश्न थे, पानी वानी भरना था, पानी खत्म हो गया था। देवेंद्र पानी भरने गया, गई आया। झांसी आते ही ट्रेन में भीड़ बढ़ गई। The next day. Good morning. अभी भोपाल आ गया हूँ। मैं सो रहा था, मैं काफी देर तक सोता रहा। अभी चाय वाय खूब चिल्लाए, शोर मचने लगा, तब जाके उठा हूँ। ट्रेन में बड़ा ही मजा आ रहा है। हमारे 2 डब्बे हमने बुक करवाए हैं, कुछ बच्चे उधर एसी वाले में, कुछ इधर सामान्य वाले में। तो जब हमें ज़्यादा गर्मी लगती है तो हम एसी वाले में चले जाते हैं, और जब ज़्यादा ठंडा लगता है तो हम इधर सामान्य वाले में आते हैं।
से तो आए जाना हमारे सब सब के हो जाए आना इस तार धोरे तो कैसे सोए जाना इस तार धोरे लो लो लोरी सुनाना भाई साहब ये कोई नदी है बिल्कुल देखो पत्थरों के बीच में से आ रही है सीन देखो ओ भाई उतर जा उतर जा उतर करंटा करंटा बेटा गाड़ी चल गई ना वहीं ले जाएगा कपड़े पहने गोरिल्ला दिखा ऊपर चल मैं कसा ओए नहीं अबे मान जा क्या भाई देखो जंगल में कहां पर देखो घुस के बैठा है ये भाई ट्रेन चल गई बैठा रह जाएगा यहीं पे आकाश भाई कैसा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है भाई मजा आ रहा है ना अभी भयंकर धूप हो रही है और 34 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है देखो अभी खांडवा स्टेशन भी आने वाला है दिल मेरा गुवारा दिल मेरा गुवारा दिल मेरा गुवारा दिल मेरा ओ दिल मेरा आ गए अभी इटारसी ऐसा कुछ स्टेशन है इटारसी का ठीक है अभी खाना पीना हो गया हमारा ये देखो ज़्यादा नहीं दिखाएंगे इस रूट पर मैं पहले भी एक बार सफ़र कर चुका हूँ आगरा से बेंगलोर तक का लगभग 2016 की बात है अपने पापा के साथ गया था और वो मेरा आखिरी सबसे लंबा ट्रिप था और पापा के ना रहने के बाद ये मेरा सबसे पहला लंबा ट्रिप है तो समझ सकते हो ट्रेन में बहुत कम बैठा हूँ जब से पापा नहीं है गर्मी बहुत भयंकर हो रही है हमारे यहाँ तो इतना टेम्परेचर नहीं है यहाँ टेम्परेचर 38 डिग्री तक है दिन में और अभी लगभग 12:54 हो रहे हैं तो सोच लो देखो आगे कितना और बढ़ेगा अभी तो कर्नाटक साइड जा रहे हैं ये दक्षिण का जो पठार है बहुत ज़्यादा गर्म होता है साहब अभी हम कर रहे हैं तापी रिवर को क्रॉस और यहाँ पर एक भुसावल का परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी बना हुआ है काफ़ी मस्त लग रहा है देखने में धुआं निकल रहा है उसके अंदर और तापी रिवर क्योंकि दरार घाटी में बहती है तो मस्त पानी है उसमें अभी हम जिस जगह पर पहुंच गए हैं वहां से पूरे भारत में केले की सप्लाई की जाती है अभी हम भुसावल में हैं और यहां पर बहुत सारे केले के बागान मतलब चारों तरफ बागान ही बागान दिखाई दे रहे हैं देवेंद्र भाई कैसा लग रहा है बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे बचपन से ज़्यादा सबसे ज़्यादा घूमने में मज़ा आता है अच्छा। और घूमने में भी यदि सामने कोई ऐसा सीन हो जो देखकर मन भरता है और आनंद आता है और एक बात नहीं एक बात इस पता कल 8 बजे से ले रहा हूँ इसी बात में मुर्गा भरते हैं भाई कैसा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है इधर भारत भाई है हेलो करते भाई भारत हेलो हाय कान में लीड क्या हो रहा है एकदम मस्त अभी थोड़ा उतर कर आए हैं भुसावल जंक्शन पर नीचे की हवा खा लें सुबह से ट्रेन में चढ़े हुए हैं
और ये हमारी ट्रेन कर्नाटका एक्सप्रेस। भुसावल का जो स्टेशन है काफ़ी बड़ा है, काफ़ी सारी ट्रेनें आ रही हैं गुवाहाटी से, असम से, विशाखापट्टनम से। सामने वाली ट्रेन जो है वो असम से आई है। अपने सारे इक्विपमेंट चार्जिंग में लगे हैं, ठीक है, ये भी लग गया। बाकी ये देखो, ये सब लगे पड़े।